स्टूडेंट्स के आज जॉब ना लग पाने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है आपको मालूम है? सबसे बड़ा कारण होता है वो स्किल ना होना, जिस स्किल की जरूरत आज मार्केट में है। वो स्किल क्या है? वो स्किल है कि आपको कंप्यूटर चलाते आना चाहिए, आपको कंप्यूटर में वर्क करते आना चाहिए, आपको कंप्यूटर में एटलीस्ट ऑफिस से संबंधित छोटे मोटे कार्य तो कंप्यूटर में करते आना चाहिए। वैसे तो कंप्यूटर के नॉलेज को, कंप्यूटर के कोर्सेज को, कंप्यूटर के वर्क को कई कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। आप इसे बेसिक टू एडवांस लेवल बोल सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर वर्क में सामान्यतः टाइपिंग वर्क आ जाता है, डेटा एंट्री वर्क आ जाता है, लेटर टाइप करना आ जाता है, एप्लीकेशन टाइप करना आ जाता है, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालना आ जाता है। ये सारे काम साधारणतः ऑफिस में होते हैं। और आज किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, हर जगह ऑफिस तो होता ही है और उस ऑफिस में काम कंप्यूटर से होता है। तो यदि आपने कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ले लिया, टाइपिंग कैसे की जाती है, हिंदी इंग्लिश अदर लैंग्वेजेस में टाइपिंग कैसे की जाती है, टाइपिंग की स्पीड भी आपकी अच्छी हो गई, आप एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होता है, ये सारी चीजें आपने सीख ली, तो आप तैयार हो जाते हैं बड़े आराम से किसी भी ऑफिस में काम करने के लिए। अब आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, आप बतलाते हैं कि आपको ऑफिस का ये वर्क आता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आप चला सकते हो, तो वहां पर आपका सिलेक्शन समझ लीजिए निश्चित ही होता है। अगर आप एडवांस लेवल में जाते हो तो बहुत सारी कंप्यूटर में ऐसी कैटेगरी है, जैसे अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख ली तो अब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकते हो, आप ऐप डेवलपमेंट में जा सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग में जा सकते हो। तो कंप्यूटर की जो फील्ड है बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है। आपको चुनना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, उसके आधार पर आप निर्णय ले सकते हो कि आपको किस तरफ जाना है। लेकिन देखिए, जब हम किसी चीज का डिसीजन लेते हैं ना, या हम ये चेक करते हैं कि हमको एक्चुअल में किस चीज का नॉलेज है, हमें किस दिशा में जाना चाहिए, तो उसका तरीका ये होता है कि हमको पहले बहुत सारी चीजें करके देखना चाहिए, हमको बहुत सारी चीजें पहले सीखना चाहिए इनिशियल लेवल पर। जब हम उन चीजों को सीखना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि अब हमको पता चलता है अपना इंटरेस्ट कि जी हाँ, मैंने ये 10 चीजें सीखी, अब उसके बाद मुझे एक पर्टिकुलर फील्ड में इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, अब उस चीज को आपको फिर आगे लेकर के जाना है। तो कंप्यूटर फील्ड में भी यदि आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और आपका 12th हो गया है, तो आप जो है DCA कर लीजिए, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस कोर्स को करने के बाद एक साल तक जब आप कंप्यूटर के अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, आपको यहां पर बेसिक चीजें भी जानकारी मिलेगी, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट टैली कोर्स, ऐप डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग का कोर्स, इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जब आपको पता चलेंगी तो आपको एक पूरा नॉलेज हो जाएगा एक साल में, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी पता चल जाएगा कि आगे आपको किस फील्ड में जाना है। अब मैं आपको एक ऐसे ऐप का भी नाम बतला देता हूं जहां से आप ऑनलाइन घर बैठे DCA कोर्स कर सकते हो। इस ऐप का नाम है माई कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हाँ, इस ऐप के माध्यम से आप देखिएगा प्ले स्टोर में जाकर के लगभग 1,00,000 से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं और हजारों स्टूडेंट्स ने इससे कोर्सेज को ज्वाइन करके इसके सर्टिफिकेट डिप्लोमा DCA का जो होता है वो अपने घर मंगवाया है। इसकी प्रोसीजर बहुत सिंपल है DCA करने की। सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माई कंप्यूटर कोर्स ऐप। ऐप डाउनलोड करना है, इसमें स्टोर टैब होता है, स्टोर टैब में जाना है, DCA कोर्स को सिलेक्ट करना है, कोर्स की पेमेंट करना है, कोर्स में एनरोल करना है, उसके बाद कंटेंट ऑप्शन में जाना है, वीडियोस देखना है, वीडियोस में आपको काफी कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज हो जाएगा। अब आपको इसका डिप्लोमा चाहिए तो ईमेल में इसका डिप्लोमा मिलेगा, इसकी ओरिजिनल कॉपी आपको पोस्ट द्वारा आपके घर में भेज दी जाएगी। तो DCA कोर्स आपको करना चाहिए जिससे आपको नॉलेज हो जाएगा कंप्यूटर के कई विषयों का, जिससे आप निर्णय ले सकते हैं कि भविष्य में आपको और किस दिशा में जाना चाहिए। तो यदि आप DCA कोर्स करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिए माई कंप्यूटर कोर्स ऐप और DCA कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।